हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे पीछे देख सकते हो एक बहुत बड़ा झरना गिर रहा है और वहीं पर एक बहुत बड़ी गुफा जिसको बोला जाता है टंटिया मामा गुफा। और इस जगह को टंटिया मामा वाटरफॉल, टंटिया भील वाटरफॉल, ये सारे नामों से पुकारा जाता है। तो आज आए हम यहाँ पर, तो यहाँ तक का पहुँचने का रास्ता इतना ईजी नहीं है, उसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ तक आए हैं। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बाल्च फाटा। यहाँ पर हमने एक से पूछा कि इस फाटे को वो क्या बोला जाता है, और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, देखिए ये लिखा है प्रोच रोड 0 किलोमीटर। तो देखिए, अभी हम आए हैं इस साइड से और ये रोड है खंडवा का। और आपको बता दूँ, अगर आप खंडवा बुरहानपुर साइड से आते हो तो इसके लिए ये रास्ता बहुत बेटर है, इस रास्ते से आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से हो, जहाँ पर जलगाँव या भुसावाल उस साइड से आते हो, तो इस साइड से ये रास्ता है। अभी हम चल रहे हैं खरगोन हाईवे पे और वहाँ से एक चौकी आएगी, पुलिस चौकी, और उसके बाद में फिर हमको अंदर जाना है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है घूमने में दोस्तों, तो चलिए अभी चलते हैं। अभी करीब करीब हम 60 किलोमीटर करीब चल चुके हैं हमारे घर से, तो काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया और रास्ता भी उतना ख़ास नहीं था। लेकिन देखिए, अगर टंटाबील मामा का जो स्टैचू है और वहाँ की जो गुफा है वो अगर आपको देखने आना है, तो यहीं पर एक बोर्ड दिख जाएगा, देखिए पीछे साइड में, तो ये बोर्ड से आप पहचान सकते हो। और एक पहचान बहुत अच्छी है जिससे आप बहुत आसानी से पता लग जाएगा आपको कि कैसे जाना है। तो देखिए, इस साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर एक पुलिस चौकी, तो पुलिस चौकी के सामने रास्ता है, पीछे है पुलिस चौकी और जस्ट इस साइड में है जो है वो है यहाँ का रास्ता। तो बड़ा इजी है, अगर आप कहीं से भी आते हो तो भी आपको बस इतना पूछना है कि पुलिस चौकी कहाँ है। और गांव का नाम बता देता हूँ मैं, देखिए ये है भापसी, तो भापसी आपको पूछ लेना है। और यहाँ पर ये बोर्ड दिख जाएगा आपको, तो ये भी आपको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ थोड़ी हरियाली वगैरह है, तो हो सकता है कि इसके कारण ये बोर्ड आपको नहीं दिखे, इसलिए पुलिस चौकी जरूर पूछ लीजिएगा अगर आते हो तो। तो चलिए, अभी इस रोड पे हमको आगे जाना है, तो अब चलते हैं और रोड देखते हैं कैसा है। अभी करीब करीब 1 किलोमीटर और चले हम, लेकिन अब जो चले थे हम वो पूरा कच्चा रास्ता था गाइस, तो पूरा 1 किलोमीटर हम कच्चा चले। उसके बाद में फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं, देखिए पीछे है टंटिया मामा की स्टैचू, और काफ़ी अच्छा स्टैचू बना के रखा है देखिए। लेकिन अगर आप आते हो ना, तो ये रोड पे नहीं है, तो आपको पूछते पूछते ही आना पड़ेगा। लेकिन स्टैचू देखिए कितना बड़ा है, और बड़ा सुंदर स्टैचू बनाया गया है टंटिया मामा का, ये देखिए, तो ये पूरा स्टैचू बनाया गया है और काफ़ी अच्छा स्टैचू है गाइस। ये मैं अभी चारों तरफ घूम के दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ये यहाँ पर स्टैचू है और इस साइड में, उधर नीचे साइड में है उनकी मेन गुफा जहाँ पे वो रहा करते थे, तो वो गुफा भी है और वहाँ पे वाटरफॉल भी है, तो दोनों चीज़ें चेक करेंगे। तो यहाँ पर गाइज, हमने अभी हमारी गाड़ी लगा दी है, देखिए यहाँ पर थोड़ी छाव के अंदर हमने हमारी गाड़ी लगा दी थी। और आज हम लाए एक नए मेहमान को, देवा चौधरी, देवा भाई को कैसा लगा, मज़ा आया आने यहाँ तक आने में? बहुत बढ़िया। रोड कैसे थे ये बताओ? रोड भी अच्छे थे, इतने खराब नहीं थे। सही बात है। और वीरू भाई हमारे, हम तो साथ में ही घूमते हैं, देवा भाई को आज हम लेके आए। जैसे आप टंटिया मामा स्टैचू के पास में घूम लेते हो, उसके बाद में, क्योंकि यहीं से एक ये रास्ता है जो सीधा जाता है टंटिया मामा गुफा के अंदर, और ये जो जगह है ये टंटिया मामा गुफा के नाम से फेमस है, तो इसीलिए आप जब भी इधर आओ तो टंटिया मामा गुफा पूछिएगा। और ये पीछे साइड में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्ता जो है वो कच्चा है, तो चलिए अभी वहाँ भी जाएंगे। लेकिन मज़ा आ रही है गाइस यहाँ पे आने में, रास्ता बहुत एक्सट्रीम है, मतलब मज़ा आ जा रही है घूमने में, लेकिन थोड़ा कच्चा रास्ता है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है।
हमारे देव भाई वो पहुंच चुके इतने आगे तक, और इधर नीचे साइड में अभी पानी की आवाज आना चालू हो चुकी है। तो चलिए अभी जाएंगे और देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त नजारा, तो मजा आने वाला है गाइस बहुत, क्योंकि मैं बहुत है ना एक्साइटमेंट में हूँ। और यहाँ पे आने की प्लानिंग हमारी काफी समय से चल रही थी, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए फाइनली काफी दिनों के बाद हमारा प्लान बना कि नहीं यार आज जाना है। और आज मंडे का दिन था, मतलब ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये मंडे का दिन है, तो इसी दिन हमारा वीडियो शूट हो रहा है। और पीछे से वीरू भाई आ रहे हैं, देखिए कितने ऊपर से आ रहे हैं, और आवाज काफी आने लग गई है वाटरफॉल की। तो वहाँ गुफा में जाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है गाइस वहाँ पे जाके, तो देखते हैं अभी कैसा नज़ारा दिखने वाला है। अभी फिलहाल में तो हम कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं और आजू बाजू में पूरा खेत है। वैसे हमने बैग के अंदर खाना भी लाया है, साबुन भी लाया है, तो मस्त मुँह हाथ धोएंगे। और उसके बाद में ओ गाइस मज़ा आ गया गाइस, दूर से दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए मतलब देखने में ही गाइस दिल खुश हो जा रहा है, आपका दिल खुश हो जाएगा गाइस देख के। देखिए क्या नज़ारे हैं यहाँ पे गाइस, देखकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है, इतनी मज़ा आने वाली है। और अभी हम खड़े हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर, आपको दिखाता हूँ देखिए। और ये पीछे साइड में है वाटरफॉल टंट्या मामा गुफा, जो दोनों फेमस है, टंट्या मामा गुफा के नाम से इसको जाना जाता है। तो पीछे के साइड में देखिए ये है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने का रास्ता देखते हैं किधर से है, लेकिन बड़ा बेहतरीन लग रहा है यहाँ से और नज़ारे गाइस, दिल खुश हो जाएगा आपका। और देखिए वहाँ पे जो है वो स्टैचू लगा है, वहाँ से वीरू भाई भी आ रहे हैं। और इस तरफ देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है गाइस, चारों तरफ देखिए, और ये वाटरफॉल गिर रहे हैं, और ये काफ़ी दूर से है इसलिए आपको थोड़ा छोटे दिख सकते हैं, लेकिन गाइस आपको बता दूँ ये वाटरफॉल इतना छोटा है नहीं, और काफ़ी बढ़िया जगह लग रही है, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है गाइस। और हमारे देवा भाई भी थोड़ा सा शूट कर रहे हैं अभी, वैसे देवा भाई को हम बोल रहे हैं व्लॉग चालू करो, तो इनको भी हम व्लॉग चालू करवाएंगे। और नज़ारे बड़े गजब है, तो अभी वहाँ जाएंगे टंट्या मामा गुफा में, तो चलिए वहाँ भी पहुँचते हैं। और ये पूरा कच्चा रास्ता है, तो ये कच्चे रास्ते से हमको अभी वहाँ जाना है, तो चलिए डायरेक्ट वहीं जाके मिलते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता उतर गया बनेगी, फिर भी अभी देखते हैं। यहाँ पर अगर आपको बता दूँ, अगर कोई ना ऊंची सैंडल पहन के अगर कोई लेडीज आती है ना, तो 100% गिर सकती है, क्योंकि हमारे से जूते से चलते नहीं बन रहा, तो सैंडल से कैसे चल पाएंगे यहाँ पर, बड़ी मुश्किल कैसे। और यहाँ पर देखिए ये और एक छोटा सा है झरना टाइप, यहाँ से पानी गिर रहा है। अरे देखना अभी हमारा देवा भाई स्लिप हो गए। आधे लगभग आधा रास्ता तो हम पहुँच ही गए, थोड़ा सा और बचा है, फिर देखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत दिनों से हमारी प्लानिंग चल रही थी यहाँ आने की, लेकिन बन नहीं पा रहा था, प्लानिंग नहीं हो पा रही थी। और अभी आपको आवाज़ आने लग गई होंगी पानी की, आपको पीछे दिखाता हूँ, देखिए अब दिख रहा होगा गाइस आपको वाटरफॉल अच्छा खासा बड़ा, क्योंकि पहले बड़ा छोटा दिख रहा था, इतना बड़ा दिख नहीं रहा था, लेकिन अब देखिए कितना बड़ा है। और देखिए यहाँ के ऊँचे ऊँचे नज़ारे गाइस, कितना ब्यूटीफुल है चारों तरफ, और उसमें मौसम ने चार चांद लगा दिए। पीछे का नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस। और फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं टंट्या मामा की गुफा, इसको टंट्या भील की गुफा भी बोला जाता है और टंट्या मामा की गुफा भी बोला जाता है, तो दोनों चीज़ें बोली जाती है, दोनों नाम से पुकारा जाता है। और देखिए ये जो है पूरी गुफा है, तो यहीं पर टंट्या मामा जो है वो रहा करते थे। और देखिए कितनी बड़ी गुफा है वो दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ से लेके गाइस देखिए ये पूरी गुफा है, ये वहाँ तक गुफा है, और गुफा के जस्ट पास में बहता है एक बहुत ही ज़बरदस्त झरना, तो झरने को हम नीचे से भी देखेंगे, वहाँ से भी, पहले मैं आपको गुफा दिखा देता हूँ। तो गाइस पहले हम गुफा के अंदर चलेंगे और मैं गुफा के अंदर घूम के देखेंगे हम कि कितनी बड़ी गुफा है। तो अभी हम उस गुफा के अंदर खड़े हैं जहाँ पर कभी भविष्य में टंट्या भील मामा रहा करते थे,
तो कई लोग इनको टंट्या मामा कहते हैं, कई लोग इसको टंट्या भील गुफा कहते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। और वो यहाँ पर रहा करते थे। और देखिए कितनी बड़ी गुफा है गाइस, ये पूरी अंदर अंदर इस तरीके से कटी हुई है, तो पूरी गुफा जो है वो कटी हुई है। और मेरी आवाज़ हो सकता है आपको कम आए, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा झरना है। और देखिए कितनी बड़ी गुफा है गाइस, मतलब कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुफा है। और मेरी आवाज़ आपको हो सकता है कम आ रही हो, उसका कारण ये है कि ये ऊपर से बहुत बड़ा झरना गिर रहा है। तो अभी देखिए मैं और आगे जाता हूँ, तो ये इस तरीके से कोई गुफा बनी हुई है और काफ़ी बड़ी गुफा है। देखिए अगर आपको दिखाता हूँ, तो ये अभी मैं पूरी गुफा के अंदर हूँ आए, तो देखिए कितनी बड़ी गुफा है और ये झरना है, तो इसके पीछे से निकलता है जा सकता है। तो चलिए उसके पीछे निकले, थोड़ी सी हाइट कम है इसकी, बाकी ठीक है, इसमें घूम सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। और ये पत्थर के ऊपर पूरा पानी गिर रहा है गाइस, तो कितना ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा है गाइस। देखिए यहाँ पर चारों तरफ इधर बड़े बड़े पहाड़, ऊपर से एक झरना गिर रहा है। और आपको बता दें झरना मेरा सर के ऊपर से गिर रहा है, ये ऊपर से गुफा पे से, तो यहाँ से पूरा पत्थर से गिरता है और वहाँ से लेके गाइस ये पूरी गुफा है इतनी बड़ी, तो काफ़ी बड़ी गुफा है। देखिए ये पूरी गुफा इतनी बड़ी गुफा है ये, और हम इस पार निकलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इस पार में क्या दिखता है। और पत्थर हो सकता है कि चिकने हो, इसलिए थोड़ा सा हम रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे। और देखिए क्या झरना है गाइस, इतना बड़ा झरना है और विशाल झरना गिर रहा है गाइस यहाँ से। देखिए साइड में है बड़ा ही झरना, पूरा आग का पानी गिर रहा है गाइस, मजा आ जा रही है गाइस घूमने में। और इधर आगे भी जाएंगे हम और वहां से भी देखेंगे किस तरीके से नज़ारा दिखता है, तो मजा काफी आने वाली है हमको। और मैं निकल चुका हूँ गुफा के इस पार, मतलब हम गुफा के उस पार से हमने स्टार्ट किया था और इस पार आ चुके। और देखिए वहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस तरफ से, तो वहाँ से पूरा गोल घूम के हम इस तरफ आए। और अब दिखेगा गाइस आपको बहुत ही ज़बरदस्त झरना, देखिए। तो गाइस यहाँ से देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है, वहाँ से भी पानी नीचे गिर रहा है और ये पानी गिरता है पूरा यहाँ से आते हुए और फिर ये देखिए ऊपर जाएगा। और ये इतना बड़ा वाटरफॉल गाइस गिर रहा है, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, तो बड़ा सुंदर दृश्य लगता है गाइस। काफ़ी ऊंची गुफा है ये और यहाँ से लेके तो ये पूरी गुफा है वहाँ तक। और यहाँ पर ऐसा पानी उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे धुआं उड़ रहा हो। और यहाँ पर छोटे छोटे रेनबो भी बन रहे गाइस, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर देखिए। और ये पूरा झरना है इस तरीके से, तो वहाँ भी जाएंगे और वो खतरे पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है गाइस, चारों तरफ का व्यू देखिए। मेरी वॉइस जो है वो हो सकता है बहुत कम आ रही हो आपको, हमारे देव भाई थक के बैठ गए। क्या बोलते, मज़ा आया? बहुत बढ़िया। वाटरफॉल कैसा लगा ये बताओ? बहुत बढ़िया, वहाँ पीछे जाना था, बहुत मज़ा आ रही है वहाँ पत्थर के पीछे देखते हुए जाते हैं। गाइस वहाँ झरना है उसके पीछे साइड में, एक पत्थर है, मतलब जहाँ पर झरना गिर रहा है ना उसी के पीछे बड़ा पत्थर है, उसके पीछे जाओ तो इतना गजब लग रहा है क्योंकि पानी पूरा अंदर उड़ रहा है। ये झरना हो सकता है कि आपको कैमरे में थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन गाइस बहुत बड़ा झरना है और इसकी आवाज़ से आप पहचान सकते हो कि कितना बड़ा और कितना विशाल झरना है। देखिए और काफ़ी ऊपर से गिर रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में गिर रहा है गाइस, तो बहुत मज़ा है। और ये झरना कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी देर से गाइस हमें ना घूम रहे थे और पूरा वाटरफॉल घूम रहे हैं, ये सारा चीज़ें घूम रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आया है देखने में भी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। तो अभी बहुत जम के भूख लग गई थी, तो पहले हो जाए पेट पूजा, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। तो मैंने तो दाल लेके आया था, तीखी दाल है, रोटी है, और ये दोनों के उपास हैं, तो इनका तो फरियाल चालू है और मेरा कोई उपास नहीं है, इसलिए मैं सब्जी रोटी खा रहा हूँ। वैसे भी तुम उपास नहीं रखते? और मेरे से रखे नहीं जाता, ऐसा नहीं है कि मैं रखना नहीं चाहता, लेकिन मेरे से रख ही नहीं जाता है।
तो चलिए पहले खाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। चलिए गाइस, तो अब करते हैं इस गुफा को और इस वाटरफॉल को बाय बाय। तो अभी निकल रहे हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी लंबा हमको जाना है, तो करीब 2-2.5 घंटे अभी घर पहुँचने के लिए भी लगेंगे। और अभी शाम भी हो चुकी है, लगभग 4 बज चुके हैं। तो आई होप आप को सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गुफा आपको कैसी लगी है, वाटरफॉल किस तरीके का लगा है। तो अभी निकलते हैं घर की ओर, और आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम घर वापस जाने वाले हैं। तो चलिए, मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड करा जाए, तो फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।